जी रू सी ए जी रू सी ए जी रू सी ए जी रू सी ए जी टोटल यहाँ पे हम 64 कोर्स के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। टोटल 64 कोर्स जो है उसके बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए यू यू और ये यू 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 और यू 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 सी यू यू ए और यू यू जी सी यू एंड यू सी यू सी सी यू ए और सी यू जी सबसे पहले मैं कोड्स लिख दूं। ये मैसेंजर आरएनए पे जो कोड्स मौजूद हो सकते हैं ठीक है, मैसेंजर आने में जो कोड्स हो सकते हैं ये मैं बोल लिख रहा हूँ। एक लेटर ये लिखना है, एक ऊपर वाला लिखना है और एक यहां साइड वाला। इस तरह से मैं कोर्स लिख रहा हूं सबसे पहले। अभी आपको बात समझ में आ जाएगी, आपने एक चीज की भी है। आप जरा ये देखें, तवज्जो आपकी बोर्ड पे होगी कि ये आपके पास स्टार्ट कोड है और जिस अमाइनो एसिड को ये रिप्रेजेंट करता है उस अमाइनो एसिड का नाम है मैथियोनीन। METHIONIN यानी मैथियोनीन ठीक है, ये मैथियोनीन को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए ये शुरू के आपके पास ये जो दो अमीनो एसिड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फिनाइल एलानिन।
इसके बाद ही आपके पास ये जो चार आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज ल्यूसीन, LEUCINE, ल्यूसीन, और ये रिप्रेजेंट करते हैं आइसोल्यूसीन। ये रिप्रेजेंट करता है, ये वाला इसमें जो AUG है ये मैक्सोनीन को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करते हैं चार आपके पास वेलिन, ठीक है वेलिन। ये चार रिप्रेजेंट करते हैं सीरीन, ये चार रिप्रेजेंट करते हैं प्रोलीन, पी पी आर ओ एल आई एन, प्रोलीन, सेरीन, प्रोलीन। ये रिप्रेजेंट करते हैं थ्रियोनीन, और ये रिप्रेजेंट करता है आपको एलानीन, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनीन, एलानीन। अब जरा और से देखें, यू ए ए, यू ए जी और यू जी ए, ये तीनों दरअसल आपके पास क्या है, ये तीनों दरअसल आपके पास हैं स्टॉप कोड्स। ठीक है, ये तीनों दरअसल आपके पास मौजूद है स्टॉप कोड्स, यू ए ए, यू जी ए और यू ए ए। इन तीनों का कोई भी अमाइनो एसिड नहीं होता। उसके बाद ये आपके पास ये मौजूद है आपके पास टायरोसिन, उसके बाद देखें ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो और ये दो। मैं कोने में लिखूंगा हिस्टिडीन, ग्लूटामीन, एस्पराजाइन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। हिस्टिडीन, ग्लूटामीन, एस्पराजीन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, ये जो दो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला है सिस्टीन, और जो नीचे वाला आपको नजर आ रहा है ये है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, सिस्टीन एंड ट्रिप्टोफैन। अच्छा, ये पूरा ब्रैकेट है, ल्यूसीन के छह गुणे हैं, दो तीन चार पांच छह। नजरें बेटा आपकी बोर्ड पे होंगी, मैं इसको आपको बारी बारी पढ़ के बता रहा हूं। सबसे पहले अमाइनो एसिड्स के नाम सुन लें, फिनाइल एलानीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मैथियोनीन, वैलिन। सेरीन का नाम आपने पहले सुना हुआ है, SERI, यानी सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनीन, एलानीन। उसके बाद ही मौजूद आपके पास टायरोसिन, टायरोसिन के बाद दो स्टॉप कोड्स हैं UAA, UAG, टायरोसिन के नीचे दो स्टॉप कोड्स हैं। अच्छा, फिर दो दो करके यहाँ आपके पास छह कोड, छह अमीनो एसिड हैं, हिस्टिडीन, ग्लूटामीन, एस्पराजाइन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। फिर उसके बाद मौजूद है आपके पास
कौन सी क्लास में? पहली वाली क्लास में ब्लर हो रही थी, अभी आपको बस यू कनेक्ट करवा के देखिए। सही है, पहले भी सिस्टम आ गया सर। सर हिस्टिडीन, ग्लूटामीन, एस्पराजाइन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद क्या है? सिस्टीन, CYSTEIN, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, TRYPTOPHAN, ट्रिप्टोफैन। अच्छा, फिर मैंने आखिरी के कोड्स नहीं लिखे, इसका मतलब है। आखिरी के कोड्स मैंने नहीं लिखे जगह ना होने की वजह से। चले आप इतने करें, जो लिख सकता हूं वो लिख देता हूं। देखो ये सारे जो हैं, ये है ग्लाइसिन, ये आपके पास आर्जिनिन, ये है आपके पास सीरी, तीन पीछे भी आया है, ये भी आया है, फिर दोबारा आर्जिनिन आ गया, आर्जिनिन सीरीन आर्जिनिन, और फिर उसके बाद मौजूद है ग्लाइसिन। टोटल 20 अमाइनो एसिड्स के नाम आपने याद रखने। अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर अगर एयूजी कोड आया, उसने अमाइनो एसिड जिसको उठा के लेकर आया ट्रांसफर आरएनए, वो लेकर आया आपके पास मैथ्यूनिन को। मैंने यूयूसी लिखा था, वो उठा के लेकर आया फिनाइलएलानिन को। मैंने सीसीसी लिखा था, वो उठा के लेकर आया प्रोलिन को। ठीक है, मैंने जीजीजी लिखा था, अमाइनो एसिड को जो उठा के लेकर आया है वो लेकर आया ग्लाइसिन को। ठीक है, चलें। तो ये आपके पास 64 कोड्स हैं 20 अमाइनो एसिड्स के लिए। अब जरा गौर करें, बाज अमाइनो एसिड ऐसे जिसके लिए 6-6 कोड है, कोई सभी उनमें से एक भी कोड आ जाएगा अगर, तो वो अमाइनो एसिड उठा लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर उसमें से एक कोड आ जाएगा तो वो अमाइनो एसिड क्या होगा, वो अमाइनो एसिड उठा लिया जाएगा। जब भी मैंने ये टॉपिक क्लास में कराया है तो ऐसे टाइम पे कराया है कि छुट्टी होने वाली थी और सबकी छुट्टी बंद होती थी कि जब तक ये याद नहीं होगा उस वक्त तक घर नहीं जा सकते। स्टूडेंट्स कहते थे कि हमने कोड्स याद करने हैं, बिल्कुल याद करने हैं, क्यों नहीं करने। मैंने क्या देखने के लिए दिएंगे? ठीक है, करें जरा जल्दी करें इसको फटाफट। फिर से एक बार पढ़ के बता रहा हूं।
फिनाइल, अब स्पेलिंग के साथ पढ़ के बताऊंगा, फिनाइल एलानीन, PHENYL फिनाइल एलानीन, ALANINE। फिर उसके बाद मौजूद है ल्यूसीन, LEUCINE ल्यूसीन। फिर उसके बाद मौजूद है आइसोल्यूसीन, ISOLEUCINE आइसोल्यूसीन। फिर उसके बाद मौजूद है मैथ्यूनिन, METHIONINE। फिर मौजूद है वैलिन, VALINE वैलिन। उसके बाद अगली रो में सेरीन, SERINE सेरीन। प्रोलीन, PROLINE प्रोलीन। थ्रियोनिन, थ्रियोनिन की स्पेलिंग, बेटा जगह वहाँ पे बहुत लिमिटेड है, ठीक है, बोर्ड पे जगह बहुत लिमिटेड है और मुझे लिखना जरूरी था, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। थ्रियोनिन की स्पेलिंग शायद आपको समझ में नहीं आ रही हो, थ्रियोनिन की स्पेलिंग है THREONINE थ्रियोनिन, THREONINE थ्रियोनिन। फिर मौजूद है एलानीन, ALANINE एलानीन। फिर मौजूद है टायरोसिन, TYROSINE टायरोसिन। हिस्टिडीन, HISTIDINE हिस्टिडीन। ग्लूटामीन, GLUTAMINE ग्लूटामीन। एस्पराजाइन, ASPARAGINE एस्पराजाइन। लाइसिन, LYSINE लाइसिन। एस्पार्टिक एसिड, ASPARTIC एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, GLUTAMIC ग्लूटामिक एसिड। चले भाई सुन लेंगे इसी से हम। जहरा को याद हो गया,
अभी तक नहीं हुआ तुम्हें दिल्ली, फटाफट याद करो, दो में से तीन मिनट तुम्हारे पास और ही, फटाफट अभी तुम सुनाओगी पेपर बंद करके फटाफट, मुझे नहीं पता करना है क्यों करना है। कोई पढ़ना नहीं आ रहा हो, हैंडलेस कर सकते हैं, ठीक है। चले मैं मिटाने जा रहा हूँ बोर्ड, थोड़ा थोड़ा करके मैं बोर्ड मिटाऊंगा। पहले कॉलम के अमाइनो एसिड्स मैंने मिटा दी, अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये जो कोड्स मौजूद हैं, ये कोड्स जो है ये ट्रांसफर आरएनए के लिहाज से हैं, मैसेंजर आरएनए के लिहाज से। आपकी नजरों के सामने आपने अभी प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ी है, सारे कोड्स मैसेंजर आरएनए के लिहाज से। ट्रांसफर आरएनए पे तो जो मैसेंजर आरएनए पे होगा उसके अपोजिट हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है। चलें मैं इसके बाद ये भी मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ और ये भी मिटा देता हूँ।
एबी निकाल दिया। चले जरा आप मुझे बताएंगी, रजिस्टर आपका खुला हुआ नहीं होना चाहिए, रजिस्टर आपका बंद होना चाहिए। सर मुझे नहीं आता, मैं कैसे बताऊं आपको? आप मुझसे शुरू के दो कोर्स उसको रिवर्ट करने बोलती है, फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन लिखवा दीजिए। उसके बाद और ये है ल्यूसीन। ल्यूसीन खबरदार तो देखा। और आइसोल्यूसीन। आइसोल्यूसीन ए यू जी तो स्टार्ट कोड है और लास्ट वाला है वैलिन। स्टार्ट कोड है, रिप्रेजेंट करता है मैथियोनिन। मैथियोनिन अच्छा, मैथियोनिन और लास्ट वाला है वैलिन। कौन सा है? वैलिन। वैलिन ये सेरीन। सेरीन बोल दीजिए। प्रोलीन। प्रोलीन आगे बस इतने ही आते हैं। पनिशमेंट दे दूंगा। हाँ बोलो। सेरीन प्रोलीन थोड़ी बताना। सर माइक उठा रही थी। थ्रियोनीन। ठीक है थ्रियोनीन। एलानिन। एलानिन शाबाश। ये स्टॉप कोड्स के ऊपर बेटा दो कोड्स हैं, ये कौन से अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं? सर ट्रायोनिन नहीं, ट्रायो ल्यूसीन। टी वाई आर ओ S I N E tyrosine। T Y R O S I N E tyrosine। अच्छा एक दो तीन चार पांच छह, ये छह सात लिखवाओ। सर हिस्टेडीन। हाँ फिर सर इसके आगे याद नहीं किया था अभी। ग्लूटामीन। उसके बाद एस्पराजाइन। फिर एलिसिन। फिर मौजूद है एस्पार्टिक एसिड और फिर मौजूद है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है क्या आपके पास मौजूद है? सिस्टीन। फिर मौजूद है ट्रिप्टोफैन। ठीक है सिस्टीन मौजूद है, ट्रिप्टोफैन मौजूद, आर्जिनिन सेरीन आर्जिनिन और फिर ये सबसे आखिर में मौजूद है गाइसिन। ठीक है
चलें, एक से दो मिनट दे रहा हूं, अभी का भी याद हो जाए या आखिरी के नाम अभी याद हो जाए। बेटा किसी भी वक्त एमसीक्यूज में आपसे इन कोड्स के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आपको ये कोड्स अमाइनो एसिड के साथ बताना होगा। चलें कोई और सुना दे मुझे पूरा पूरा चार्ट। कोई एक भी सुनाने के लिए तैयार नहीं है, दो से जिनसे पूछे उनके अलावा बात कर रहा हूं।
हर स्टूडेंट को रटा हुआ हो स्टार्ट कोड और एयूजी स्टॉप कोड यू ए ए यू ए जी और यू जी ए। स्टार्ट कोड मैथियोनिन, स्टॉप कोड्स नन अमाइनो एसिड, कोई सा भी अमाइनो एसिड डिपेंड नहीं करता स्टॉप कोड। इसी अमाइनो एसिड के लिए छः छः कोड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, छः छः कोड्स भी हो सकते हैं। आप देखें ल्यूसीन के लिए छः कोड है, सेरीन के लिए छः कोड्स, आर्जिनिन के लिए छः कोड्स, और बाज ऐसे हैं जिसका सिर्फ एक कोड है, जैसा कि ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन का एक ही कोड है, मैथ्यूनिन का एक ही कोड है, ठीक है। बाज ऐसे हैं जिसके दो कोड्स हैं, बाज ऐसे हैं जिनके तीन कोड्स हैं, बाज ऐसे हैं जिनके चार कोड्स हैं, ठीक है, बाज ऐसे हैं जिनके छह कोड, छह से ज्यादा किसी के भी नहीं, ठीक है। और पूरा का पूरा जो आपका चार्ट है ये मैसेंजर आरएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा चार्ट जो है ये दरअसल आपके पास मैसेंजर आरएनए जो है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा ये चार्ट नेक्स्ट क्लास में मिटा हुआ होगा, मतलब आपको याद हो जाएगा। जरा इसके सबसे नीचे गौर से देखें, वेलिन के चार कोड्स हैं और ग्लूटामिक एसिड के दो कोड्स हैं, बस एक नजर इसको देख लें दो। ग्लूटामिक एसिड के कोड हैं जी ए ए जी ए जी, और वेलिन के नीचे वाले जो दो कोड्स हैं, वैसे तो चार कोड हैं वेलिन के, लेकिन नीचे वाले दो कोड हैं वो जी यू ए और जी यू जी। बताना ही चाह रहा हूँ कि इन दोनों कोड्स की जो दरमियान में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उसमें काफी हद तक रिजेम्बलेंस, ठीक है, दरमियान की जो नाइट्रोजनस बेस है वो बस डिफरेंट है, बाकी कोने वाली जो है उस पर रिजेम्बलेंस, जी ए ए और जी यू ए, फिर ये आपके पास जी यू जी और ये जी ए जी। नेक्स्ट क्लास में जब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा सिकल सेल एनीमिया वगैरह की, तो उसमें आपको ये चीज खास तौर पे मैं फोकस करवाऊंगा इसको, इसीलिए यहीं पर आप देख लें। एक अमाइनो एसिड की भी सीक्वेंस अगर गलत हो जाए तो पूरा प्रोटीन जो बन रहा होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है, पूरा जो प्रोटीन बनता है वो खराब हो जाता है, वो सही नहीं बनता। चलें क्लास को स्टॉप कर रहा हूं यहीं से, नेक्स्ट क्लास में सबको याद होना चाहिए, इसी से किसी वक्त भी कोई कोड पूछना आपको याद होना चाहिए।